बोर्ड एग्जाम आप लोगों के शुरू होने ही वाले हैं और जैसे जैसे बोर्ड एग्जाम का समय नजदीक आ रहा है वैसे वैसे स्टूडेंट्स के अंदर टेंशन और स्ट्रेस बढ़ता जा रहा है और ज़्यादातर स्टूडेंट्स यही सोचते हैं कि कब ये एग्जाम का समय निकल जाए और मैं एग्जाम से फ्री हो जाऊँ। तो दोस्तों अगर आप ऐसा सोच रहे हो तो मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि आपका बोर्ड एग्जाम में अच्छा करना तो बहुत दूर की बात है, आपको पास होने के भी लाले पड़ जाएंगे अगर आप ये सोचकर पढ़ाई कर रहे हो। देखिए समय बहुत तेज़ी से निकल रहा है और पलक झपकते दिन बीत रहे हैं और वो दिन बहुत जल्द आ जाएगा जब एग्ज़ाम आपका शुरू हो जाएगा। और एक स्टूडेंट्स के लिए सबसे बड़ा टेंशन का दिन दो ही दिन होता है, पहला जिस दिन उसका एग्ज़ाम रहता है, दूसरा जिस दिन उसका रिजल्ट आने वाला होता है। और मैं आपको बता दूं कि जितनी क्यूरियोसिटी आपको अपने रिजल्ट जानने की होती है उससे कहीं ज़्यादा क्यूरियोसिटी आपके पेरेंट्स को रहती है आपके रिजल्ट जानने की, क्योंकि उन्होंने अपना सब कुछ दांव पर लगाकर आपको पढ़ाया, अपना सब कुछ छोड़कर आपको पढ़ाया, तो उन्हें तो क्यूरियोसिटी रहेगी आपके रिजल्ट जानने की। और ज़रा सोचिए कि आपके पेरेंट्स पर क्या बीतेगी जब वो आपका एवरेज मार्क्स देखेंगे, आपके सिर्फ पासिंग मार्क्स देखेंगे। वो आपको कहेंगे तो कुछ नहीं लेकिन उनके मन में एक उदासी जरूर रहेगी कि काश मेरा बेटा भी टॉप करता औरों के बेटों की तरह। लेकिन मेरे दोस्त ये एक इमेजिनरी सिचुएशन है, अभी आपके पास मौका है अपने माँ बाप का सपना पूरा करने का, अभी आपके पास अच्छा खासा टाइम है कि आपके पेरेंट्स गर्व से बोल सके कि मेरे बेटे ने एग्जाम में टॉप किया है। और ये मेरा वादा है आपसे कि अगर आप इस वीडियो को पूरा देखोगे तो आप खुद ब खुद इतने कॉन्फिडेंट हो जाओगे कि आपको लगेगा कि मैं एग्जाम में जरूर अच्छा कर सकता हूँ, मैं सिर्फ पासिंग मार्क्स के लिए नहीं बना हूँ। तो आज मैं आपको कुछ ऐसे पावरफुल स्टडी टिप्स दूंगा जिनकी मदद से आप एक महीने पढ़कर बोर्ड एग्जाम में अच्छा कर सकते हो। बस आपको इन स्टडी टिप्स को रेगुलरली फॉलो करना होगा। दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर देना ताकि जब भी हमारी कोई नई वीडियो आए तो उसका नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिले। जो सबसे पहली टिप्स है वो है अपने सिलेबस को डिवाइड कर ले। मेरे कहने का मतलब है कि जो एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है उन्हें एक जगह लिख लीजिए और जो एग्जाम के लिए उतने इंपॉर्टेंट नहीं है उन्हें अलग जगह लिख लीजिए। उसके बाद आपको करना क्या है कि आपको सबसे पहले उन इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को पढ़ना है जो आपके लिए एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, जहां से एग्जाम में ज्यादातर क्वेश्चंस आते हैं। लेकिन ज्यादातर बच्चों के मन में ये डाउट रहता है कि नहीं सर हम सिलेबस में कुछ भी स्किप नहीं कर सकते, क्या पता अन इंपॉर्टेंट टॉपिक में से ही क्वेश्चन पूछ दे तो हम क्या करेंगे। तो इसके लिए मैं आपको एक बात बताता हूं कि आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट है, जहां से हर साल क्वेश्चन पूछे जाते हैं या जहां से 3 साल में एक बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आपके लिए इंपॉर्टेंट तो वही टॉपिक हुआ ना जहां से हर साल क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और यहां पर मैं आपको ये नहीं कह रहा हूं कि आपको अन इंपॉर्टेंट टॉपिक को स्किप करना है, आपको उनको स्किप बिल्कुल नहीं करना है, लेकिन आपको पहले इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़नी है जहां से क्वेश्चन हर साल पूछे जाते हैं और फिर आपके पास टाइम हो तो अन इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को भी पढ़ ले। और आपको सीक्वेंस यहां पे फॉलो करने की कोई जरूरत नहीं है और जितने भी टॉपर्स होते हैं ना वो भी यही करते हैं कि पहले इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को पढ़ते हैं बाद में अन इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को पढ़ते हैं। और यहां पर कुछ बच्चों को परेशानी हो सकती है कि सर हम अपने सिलेबस में इंपॉर्टेंट टॉपिक को कैसे पहचाने, कैसे ढूंढे। तो इसके लिए आपको पुराने सैंपल पेपर देखने होंगे, उसी से आपको पता चलेगा कि कहां से मैक्सिमम क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। सेकंड टिप से कि आप जो भी पढ़े उसके नोट्स बनाएं। देखिए नोट्स बनाने का यह फायदा होगा कि आप जब रिवाइज करोगे तो आपको बुक पलटने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बस आपको अपने नोट्स को पढ़ना है। इससे होगा क्या कि आपको टाइम भी बचेगा और आपकी चीजें लंबे समय तक याद भी रहेगी। और वहीं दूसरी तरफ आप जरा इमेजिन करके देखो कि कल आपका एग्जाम है और आपके पास कोई नोट्स नहीं है और आप टॉपिक को रिवाइज करने के लिए बुक पलट रहे हो, तो ये आपके लिए कितना टाइम कंज्यूमिंग होगा। जहां नोट्स बनाकर आप 1 घंटे में 10 टॉपिक रिवाइज कर सकते हो, वहीं पर आप सिर्फ 2 या 3 टॉपिक रिवाइज कर पाओगे। इसलिए नोट्स बनाकर पढ़ाई करना बहुत जरूरी है आपके लिए। तीसरी टिप है कि आप किसी चैप्टर को खत्म करने का एक डेट दे दे कि मुझे इस दिन तक इस चैप्टर को खत्म करना है। और डेट आप अपनी कैपेबिलिटी के हिसाब से देना, जैसे अगर आपको लगता है कि आप 7 दिन में कोई चैप्टर खत्म कर दोगे तो आप 7 दिन का टाइम दे देना उस चैप्टर के लिए, या आपको लगे कि आप 5 दिन में खत्म कर सकते हो तो 5 दिन का टाइम दे देना। और जब आप किसी चैप्टर को खत्म करने का डेट दे दोगे ना तो आपका विजन क्लियर हो जाएगा कि मुझे इस दिन तक खत्म करना है इस चैप्टर को। और डेट देने से क्या होगा कि आप खुद को मोटिवेट भी करोगे कि नहीं यार मुझे किसी भी हाल में इस दिन तक ये चैप्टर खत्म करना है। एक बात और, जो डेट आपने दिया है किसी चैप्टर के लिए कोशिश करना कि आप उसी डेट में उस चैप्टर को खत्म करने की, डेट एक्सटेंड करने की कोशिश बिल्कुल मत करना। आप जो डेट आपने दिया है उसी डेट में आप खत्म करने की कोशिश करना। जो 4 टिप्स है वो है अपने मन से बोर्ड एग्जाम का डर निकाल दे।
क्योंकि जब तक आपके अंदर बोर्ड एग्ज़ाम का डर रहेगा तब तक आप बोर्ड एग्ज़ाम की प्रिपरेशन अच्छे से नहीं कर पाओगे। आप एक टेंशन के साथ पढ़ाई करोगे, स्ट्रेस के साथ पढ़ाई करोगे कि यार बोर्ड एग्ज़ाम नज़दीक आ रहा है, मैंने कुछ भी पढ़ाई नहीं की, कहीं मैं फेल ना हो जाऊँ इस बार। तो जब तक आपके अंदर ये डर रहेगा एग्ज़ाम को लेकर, तब तक आप सही ढंग से प्रिपरेशन नहीं कर पाओगे एग्ज़ाम की। आपको एग्ज़ाम का डर अपने मन से निकालना होगा। आपको बस इतना सोचना है कि हर साल जैसे पेपर मैं देता आ रहा हूँ, वैसे ही मुझे इस बार भी पेपर देना है। आपको कोई टेंशन नहीं लेनी, आपको कोई स्ट्रेस नहीं लेना। फिफ्थ पॉइंट है कि आपको हर रोज 7 से 8 घंटे सोने हैं, क्योंकि जब तक आप नींद अच्छी तरह से नहीं लोगे तब तक आपको कोई भी काम करने में मन नहीं लगेगा। अगर आपको एक फ्रेश माइंड, एक एनर्जेटिक माइंड चाहिए तो आपको हर रोज 7 से 8 घंटे सोना ही पड़ेगा, तभी आपका माइंड एकदम फ्रेश रहेगा और तभी आपको कोई काम करने में भी मन लगेगा। नहीं तो आपने नोटिस की होगी, जिस रात आप अच्छे से नहीं सोते हो तो आपको अगले दिन कुछ भी करने में मन नहीं लगता और आप खुद को डल महसूस करते हो, थके थके से महसूस करते हो और ऐसे में आपका पूरा दिन बर्बाद चला जाता है। इसलिए आपको हर रोज 7 से 8 घंटा सोना है, चाहे कुछ भी हो जाए। तो दोस्तों, ये कुछ स्टडी टिप्स थी जिनकी हेल्प से आप 1 महीने में बोर्ड एग्जाम में अच्छा कर सकते हो। तो दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर ऑल ऑफ यू।